Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सांभर की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसमें हमने इमली का यूज़ नहीं किया है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज़ किया है, बहुत ही इजीली इस टाइम आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसकी वजह से आपकी सांभर बहुत ही हेल्दी भी बन जाती है। इस रेसिपी को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे को बताइए ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट से बनी हुई सांभर आपको कैसी लगी। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस टाइप के और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकॉन प्रेस करने से जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। कोई क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ उसको कॉमेंट सेक्शन में दिखा दीजिए। वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है, तो आप बेफिक्र होकर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। टेस्टी टेस्टी सांभर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है कुछ वेजीज, जैसे कि मैंने यहाँ पर ली है लौकी, आलू, बैंगन, टमाटर, गाजर और कुछ बीन्स। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं अपनी चॉइस की। तो यहाँ पर मैं इन सभी सब्जियों को बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कद्दू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर वेजीज जो आपकी चॉइस की हैं। जितनी वेजीज आप इसमें डालते हैं ये उतना ही अच्छा टेस्ट देती है। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी वेजीज कट कर ली हैं। लौकी को जब भी आप कट करें तो इसके जो बीच के बीज होते हैं उसको ज़रूर निकाल दें, बीज के सहित लौकी को यूज़ ना करें। तो इस तरीके से इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, टमाटर को बाद में कट करेंगे। यहाँ पर मैंने अरहर की दाल 1 घंटे के लिए सोख करके रख दी थी। 1 घंटे के बाद अरहर की दाल अच्छे से फूल चुकी है। यहाँ पर मैंने लिया है कुकर। कुकर में सबसे पहले जो दाल हमने अच्छे से सोख की थी उसको 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। वेजीज को भी 3-4 बार अच्छे से वॉश करने के बाद सबसे पहले सब्जियों को कुकर में ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल लग रही हैं ये वेजिटेबल्स। जितने ज़्यादा कलर होते हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड की है जो अरहर की दाल हमने भिगो कर रखी थी उसको। इन सबको ऐड करने के बाद जो टमाटर हमने बचा कर रखा हुआ था वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद सीक्रेट इंग्रेडिएंट है हमारा ये आमी। आजकल मार्केट में इजीली मिल रही है ना, तो बस मैंने एक आमी ली और उसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। इमली का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जिस टाइम आमी आती है उस टाइम आप आमी का यूज़ किया कीजिए, हेल्दी भी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद 2 ग्लास लगभग पानी डाला है, मीन्स पानी इतना डालिए कि सब्जियों के 1 इंच ऊपर तक आ जाए। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है थोड़ी सी हल्दी, साथ में ऐड कीजिए थोड़ा सा सॉल्ट और इसको 3 से 4 विसल आने तक पका लीजिए। 3 से 4 विसल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने सब्जी रखी थी और दाल रखी थी वो अच्छे से पक गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। लेकिन अभी जब हम इसका तड़का बनाएंगे ना तब इसकी और भी अच्छी खुशबू आने वाली है। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई, उसमें ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, उसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा राई दाना, थोड़ा सा पीला सरसों दाना, उसके बाद ऐड कर रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ता जो ऐड कर रही हूँ ये मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, लगभग 6 महीने हो गए हैं और ये अभी भी इतना ही ग्रीन बना हुआ है। करी लीव्स को कैसे इतने लंबे समय तक स्टोर करें इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो प्याज लच्छे में काट कर रखी हुई थी उसको ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से पका लूँगी, थोड़ा सा बाद में सॉल्ट भी ऐड कर देंगे ताकि प्याज और अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर ये जो ग्रेवी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि आप टमाटर प्याज की ग्रेवी बनाकर रख सकते हैं, उसी ग्रेवी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसकी वजह से इतना इंस्टेंट बन जाती है सांभर कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतनी जल्दी भी आप सांभर बना सकते हैं। थोड़ा सा ये हमने मिक्स ऐड कर दिया, साथ में मैं इसके ऐड कर रही हूँ ये सांभर मसाला। ये भी होममेड है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सांभर मसाले का लिंक, साथ में टोमेटो अनियन का जो पेस्ट हमने बनाया है इसका भी लिंक और करी लीव्स कैसे स्टोर करें, इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करें और इसको ज़रूर देखें। इस मसाले के साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैंने जो सब्जियां बॉईल करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है, कितनी कलरफुल लग रही है। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पुदीना की पत्तियाँ, थोड़ी से हरे धनिए की लीव्स और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद जो आपकी सांभर का लुक आता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। जस्ट लुक एट दिस, कितनी टेस्टी यमी लग रही है।
तो अभी हम इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद आप इसकी थिकनेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको इतनी ज्यादा थिक पसंद है तो आप इसको इतना थिक रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पतली सांभर पसंद है तो आप थोड़ा पानी की क्वांटिटी ऐड करके इसको और पका सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये अच्छे से पक चुकी है तब हम इसकी तैयारी करते हैं तड़के की। तो मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा ऑयल, उसमें ऐड किया है सरसों दाना, साथ में मैं इसके ऐड कर दूंगी थोड़ी सी हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। हींग ऐड करने के बाद थोड़ी सी करी लीव्स आप इसमें ऐड कर दीजिए, साथ में एक सूखी लाल मिर्च इसमें ऐड करने के बाद आप इसमें थोड़ी सी देगी सूखी मिर्च भी ऐड कर दीजिए, कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। और बस आपका तड़का बनकर है बिल्कुल रेडी। गर्मा गर्म इस तड़के को ऐड कीजिए सांभर के ऊपर एंड सर्व कीजिए गर्मा गर्म, मजा आ जाएगा। ये वाली सांभर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको थोड़ा खट्टा कम लगे तो थोड़ा सा नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो सांभर आप इमली के साथ बनाते हैं और जो सांभर आप इस आमे के साथ बनाएंगे ना, टेस्ट बहुत डिफरेंट लगेगा और बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मेरे को बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको इंस्टेंट डोसा, इंस्टेंट इडली की भी रेसिपी जाननी है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, उसका वीडियो भी जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टाइप की इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।